करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरनाथस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सहगना रघुनाथांवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले हफ्ता सप्ताह हमने तीसरा अध्याय किया था, आज हम चौथे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में हमने सारांश में क्या किया था, ये मुख्यतः सारांश हमने किया था, भक्ति की पात्रता क्या योग्यता है भक्ति भगवान बताते हैं, रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं क्या योग्यता है भक्ति की। एक ही योग्यता है, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पात्रता पढ़ा, पात्रता के बाद क्या पढ़ा, ज्ञान और त्याग की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो भक्ति में ज्ञान और सन्यास की क्या आवश्यकता है, तो भगवान ने रूप गोस्वामी पाद क्या समझाते हैं, ज्ञान और त्याग। भक्ति जो है वो ज्ञान और त्याग से बिल्कुल स्वतंत्र है, उस ज्ञान और त्याग से भक्ति से कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, ठीक उसी तरह भक्ति अपने आप में ही संपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देते हैं, किसी के पास 100 रुपया का नोट है, आप 100 रुपये में ही 10 रुपया भी शामिल है, 100 रुपये में ही 20 रुपया भी शामिल है, 100 रुपये में ही 50 रुपया भी शामिल है। ठीक है, ठीक उसी तरह भक्ति योग तक पहुंचने के लिए ये सब मार्ग हैं, कर्म योग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, परंतु भक्ति योग अपने आप में ही स्वतंत्र है इन सब चीजों से। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, नवजात भक्त कितने तरह के भक्त होते हैं वो हमने अध्ययन करा। ठीक है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, तीन तरह के भक्त होते हैं। सबसे सर्वोत्तम भक्त होता है उत्तम अधिकारी, जो सर्वोच्च होता है। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं मध्यमा अधिकारी। ठीक है, उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं, उत्तम अधिकारी का शास्त्रों में निपुण होता है, और शास्त्रों में निपुण होने के साथ साथ वो उनमें भगवान पर श्रद्धा, उनको मालूम है शास्त्र का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो स्वयं का भी जीवन, उनका अपना जीवन तो सार्थक होता ही है, परंतु वो क्या करते हैं, वो पूरे जन सामान्य का भी कल्याण करते हैं। ठीक है, तो स्वयं का सार्थक होता है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं भारत भूमि के बारे में, कहते हैं क्या, भारत भूमि ते होले जन्म मनुष्य जन्म, या जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो ये उत्तम भक्ति के लिए बिल्कुल बैठता है। क्यों,
क्योंकि वो जीवन अपना सार्थक करते हैं और परोपकार करते हैं, सभी को कृष्ण भावना मृत से जोड़ते हैं। ठीक है, कल अगर किसी ने कल सारे गुरु महाराज लोग मायापुर में आए हुए हैं, तो उनके कल गुरु महाराज जयप्रथा गोस्वामी क्या कह रहे थे कि पूरे संसार को कृष्ण भावना मृत बनाना है। वो कह रहे हैं पूरे संसार को कृष्ण भावना मृत बनाना, हर एक व्यक्ति। आज हो सकता है 50 गुरु हो, कल 10,000 करना है, 10,000 से 1 लाख गुरु करना है, 1 लाख से 10 लाख गुरु करना है। ठीक है, ऐसा करके महाराज बता रहे थे। ठीक है, 10,000 गुरु करना है ताकि पूरा संसार कृष्ण भावना मृत हो सके, एक एक व्यक्ति कृष्ण भावना मृत हो सके। तो कहाँ क्लेश रह जाएगा? क्लेश हमने पहला अध्याय में पढ़ा था ना कि क्लेश का क्या मुख्य कारण है। क्लेश जो भी तकलीफ आती है हमें, उसके दो मुख्यतः दो चीजें होती हैं, कौन सा? अप्रारब्ध और प्रारब्ध। और हमने पढ़ा था कि भक्ति है वो क्या करता है, वो अप्रारब्ध अवस्था में ही उसको काट देता है। तो गुरु उत्तम भक्त कौन होते हैं? जो ये सोचता है कि पूरा संसार कैसे किस कैसे कृष्ण भावना मृत हो सके। इसीलिए तो 69 वर्ष के भी उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, और ऐसे वो भी पहली बार, सर्वप्रथम पहली बार ही अमेरिका गए, इससे पहले वो अमेरिका नहीं गए। ठीक है, 69 वर्ष में जब व्यक्ति के शक्ति जी पूरे शारीरिक शक्ति बिल्कुल विक्षुब्ध हो जाती है, तब वो गए। क्या उद्देश्य गए? ज्ञान बांटने के लिए नहीं गए, वो सब बीमार को ठीक करने के लिए गए। जैसे एक चिकित्सक, एक डॉक्टर क्या देखता है? डॉक्टर सब में बीमारी देखता है, बीमार में ये नहीं ढूंढता कि तुम बीमार क्यों हो गए, तुमने क्यों खाया है, ऐसे जीवन शैली तुम्हारी क्यों है, वो सिर्फ बीमार का इलाज करता है। ठीक उसी तरह उत्तम भक्त क्या होते हैं? उत्तम भक्त सबका इलाज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मध्यमा भक्त। मध्यमा भक्त कौन होते हैं? शास्त्रों का ज्ञान में उतना पारंगत नहीं होता, परंतु श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ठीक है, वो जानता है भक्त कौन है, अभक्त कौन है, इसके बारे में उसको ज्ञान होता है। और सबसे जो तीसरे वर्ग का भक्त होता है वो क्या होता है? जो बिल्कुल नया शुरू करता है, नवजात भक्त जिसको कनिष्ठ बोला जाता है, वो ये मंदिर में ही सिर्फ भगवान को देखता है, अभी शास्त्रों में भी निपुण नहीं है। ठीक है, श्रद्धा में दृढ़ता नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसा बताते हैं तीसरे अध्याय में। इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है ये भी हमने पढ़ा, और बाधाएं क्या आती हैं वैदिक साधना भक्ति में, उन्नति में बाधाएं क्या आती हैं? दो बाधाएं हमने पढ़ी, क्या बाधाएं आती हैं? मुक्ति, मुक्ति की अभिलाषा, भुक्ति और मुक्ति। ठीक है, भुक्ति का क्या मतलब होता है? तीसरे अध्याय में भगवान क्या बताते हैं? तीसरे तीसरे अध्याय में रूप गोस्वामी क्या बताते हैं कि भुक्ति, भुक्ति का क्या मतलब है? जिसको भौतिक भोग करने की इच्छा है वो, और मुक्ति जो भगवान में लीन होना चाहता, 5 तरह के मुक्ति, आज उसी का विस्तार से चर्चा होने वाला है चौथे अध्याय। हमने 6 प्रकार की भक्ति देखी थी ना, उसमें से एक क्या होता? मोक्ष लघुता। भगवान की भक्ति मुक्ति को भी छोटा कर देती है। तो वो मोक्ष, हमने मुक्ति में खासकर एक क्या मुक्ति आता है? सायुज मुक्ति, जिसमें भगवान से तदाकार होने की इच्छा होती। तो ये जो दोनों हैं, भुक्ति भोग करने की इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा, और मुक्ति भगवान में तदाकार होने की इच्छा, ये दोनों जो चीजें हैं, ये रूप गोस्वामी पाद क्या समझाते हैं? ये पिशाच है, पिशाचनी के जैसा है। ठीक है, क्योंकि ये बाधक होते हैं भक्ति। जब तक हमें भौतिक भोग करने की इच्छा होगी, तब तक हम भक्ति में हमारा दृढ़ता नहीं आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर, क्योंकि दोनों में ही, भुक्ति और मुक्ति दोनों में हमारा स्वयं का इच्छा है, लेकिन भगवान, यहाँ पहला अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? जब हमने सामान्य भक्ति पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? अनाशक्त विषयान अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनामृतम। सारी अभिलाषाओं को शून्य करना है। ठीक है, भौतिक अभिलाषाएं शून्य करनी है, ज्ञान लेने की अभिलाषाएं शून्य शून्य करनी, परंतु इसका मतलब ये ही नहीं, भगवान ने कहीं ये नहीं बोला, इन्होंने ये नहीं हमें बताया कि हमें कर्म करना छोड़ना है। कर्म करना के लिए कभी भी नहीं
छोड़ना है। तस्मात सर्वे, 8वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मयि वेशाशि अशंशय। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तुम युद्ध करो, कभी भी ये नहीं बोला कि तुम युद्ध से हट करके जा करके संन्यास जड़ता जंगल में जाओ और मेरा माला का भजन करो, कभी भी नहीं बोला। तीसरे अध्याय में सबसे पहला श्लोक ही अर्जुन यही पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भगवान प्रभु मुझे ये बताइए कि आपने तो दूसरे अध्याय में इतनी चीजें बता दी, ठीक है, इतनी चीजें बता दी, लेकिन आपने कहा अंत में दूसरे अध्याय में कि बुद्धि योग सकाम कर्म से सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं युद्ध क्यों करने जाऊं, युद्ध से भागना चाह रहे थे तो कि युद्ध क्यों करूं। आप बुद्धि योग यानी कि आप भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, भक्ति योग को अर्जुन क्या समझ गए थे दूसरे अध्याय के अंत तक कि भक्ति योग भगवान का संन्यास लेकर के भक्ति करना है, कहीं पर भी जा करके भगवान का नाम लेना है। फिर आप भगवान समझाते हैं नहीं, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तुम्हारा संन्यास नहीं ले सकते हो। तुम संन्यास कैसे ले सकते हो, किसी चीज को त्याग कैसे कर सकते हो जो हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो भगवान ने क्या बताया, तस्मात सर्वेषु कालेषु अपना युद्ध करो, लेकिन युद्ध कैसे करना है, मई अर्पितो मन और बुद्धि, मेरे में अपने बुद्धि और मन को अर्पित करते हुए अपना कर्म करो, ठीक है, ऐसा करके भगवान समझाते हैं। तो भुक्ति और मुक्ति पिशाचनी, ठीक है, इस आधार से हम आज चौथा अध्याय शुरू करेंगे। हमने और ये कोई आसान शब्द नहीं है कि भक्ति जो है वो मुक्ति से बढ़कर है, क्योंकि हमारी तो यही समझ है कि मोक्ष जो है सबसे उच्चतम है, परंतु आज हम उसका भगवान ने जो 6 प्रकार की भक्ति बताई उसमें क्या बताया, मोक्ष लघुता, भगवान भक्ति है मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है, परंतु इसको हम सिर्फ वाक्य नहीं हो सकता, ये वाक नहीं हो सकता, इसको इसका एविडेंस भी देंगे भगवान। तो चौथे अध्याय में रूप गोस्वामी पाद इसका पूर्ण रूप से एविडेंस देते हैं, इसका पूर्ण रूप से तथ्य शास्त्रों के अनुसार तथ्य को स्थापित करते हैं कि मुक्ति भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर क्यों है, मोक्ष मुक्ति छोटी क्यों पड़ जाती है भक्ति के सामने, ठीक है। 5 तरह की मुक्ति होती है, वो भी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो सामान्य भक्ति का जब हमने अध्ययन करा था तो पढ़ा था, फिर आज भी दोबारा पढ़ते हैं। यह एक बहुत छोटा अध्याय है, इसमें श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु से केवल 27 छंद शामिल हैं, वे सभी अनिवार्य रूप से एक बिंदु से संबंधित है। क्या बिंदु में है, वह बिंदु अध्याय 5 की शुरुआत में दिया गया है, एक ही बिंदु है, भुक्ति और मुक्ति, क्या है, ये पिशाच है। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपने व्यापक बयानों में दिए गए सभी पिछले निर्देशों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। जब तक कोई भौतिक रूप से इच्छुक है या आध्यात्मिक तेज से विलीन होने की इच्छा रखता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति सेवा के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता। भौतिक रूप की इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा, स्वयं को दोनों में देखिए, भौतिक भोग क्या है, भौतिक भोग समझना कोई मटीरियल डिजायर, कुछ भी जो हम जीवन में डिजायर करते हैं वो भौतिक भोग हो गया, ठीक है। अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अच्छा हम अपना हमारा जो शुरू से ही यही रहता है इच्छा, हमारा शिक्षा प्रणाली भी ऐसे ही, शिक्षा प्रणाली क्या है, इस शिक्षा अगर आप अच्छे संस्था से आपने शिक्षा ग्रहण किया तो शिक्षा ग्रहण करने का मापदंड क्या है, मापदंड ये है कि जिस संस्थान के जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा सैलरी और तनख्वाह मिलेगी वो सबसे अच्छा संस्थान है, ठीक है, ऐसा करके मापदंड आज की तारीख में हो गया। आप समाचार पत्र में आप देखेंगे कि हर साल के अंत में बड़े बड़े संस्थानों में ये दिया जाता है कि इन संस्थानों में कितना लोगों को नौकरी दी गई और उसमें से सर्वश्रेष्ठ किसको तनख्वाह पाया, कि किस बच्चे ने तनख्वाह ज्यादा पाया, तो पूरा का पूरा जो प्रणाली है वो भोग पे आधारित है, यानी जो सबसे अच्छा तनख्वाह पाता है वो सर्वश्रेष्ठ है,
तो ये क्या है, ये हमारी जो भौतिक भोग की इच्छा है वो पूरा सिस्टम इस तरह से, प्रणाली इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक भोग। और दूसरा भोग क्या है, दूसरा भोग है आध्यात्मिक तेज में विलीन होने की, यानी मुक्ति, सायुज्य। 5 तरह की मुक्ति होती है, उसमें से एक होता है सायुज्य। दोबारा उसको रिपीट करते हैं, सायुज्य होता है कौन सा, भगवान में तदाकार होने की। दूसरा होता है सालोक्य। सालोक्य का क्या मतलब है, भगवान में, भगवान के साथ उनके लोक में विश्वास, उनके लोक में उनके साथ रहने का, उनके जो सालोक्य, सा मतलब साथ, लोक्य, लोक्य मतलब उनके लोक में, ठीक है। फिर है शास्त्री। शास्त्री का मतलब क्या है, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है सायुज, सालोक्य, सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त करने का, ठीक है। सामीप्य, भगवान के निकट रहने का। तो इसमें से सबसे जो तुच्छ माना जाता है वो है सायुज। क्यों ऐसा है वो हम आज पढ़ेंगे। सायुज इसलिए तुच्छ माना जाता है क्योंकि उसमें क्या कहा गया है, भगवान से तदाकार होने का। हम भगवान से तदाकार हो ही नहीं सकते, ठीक है। भगवान हमारी जो स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस है कि हम भगवान के अंश हैं। और ये अंश का क्या कार्य है, अंश का कार्य है कि भगवान का हमेशा स्वरूप क्या है, इसका एक्टिविटी क्या है, इसका क्या काम है, कर्तव्य क्या है। आत्मा जो है इसका कर्तव्य क्या है, एक ही कर्तव्य है, क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। वो सिर्फ भगवान का हमेशा सेवा करना है, उनके धाम में भी जब पहुंच जाएगा वो, तो भी उसका, उसको सेवा ही करना उसका धर्म है, और कोई धर्म ही नहीं, तदाकार हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका स्टेटस ही अंश है, ठीक है। भगवान इसका कहाँ बताते हैं, 15वें अध्याय में बताते हैं भगवत गीता के, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। मेरा, तुम मेरे अंश हो, ममैव अंशो जीव लोके, जी इस लोक में जितने जीव हैं मेरे अंश हैं, और ममैव लोके जीव मेरे अंश हैं जीव भूत सनातन। और सनातन है, सनातन का क्या मतलब, स्टेटस को रहता है, मेरे में तदाकार नहीं होता। सनातन का क्या मतलब है, जैसा है शुरू से जैसा है, कब से शुरू हुआ मालूम नहीं, कब खत्म होगा मालूम नहीं, ठीक है। ये सनातन हमेशा से है, सनातन का मतलब है हमेशा से है, ठीक है। तो जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है, और वो अंश ही है और हमेशा से वो अंश रहेगा। तो जब ये भगवान ने बता दिया तो तदाकार का कॉन्सेप्ट ही क्यों आता है, तदाकार तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो भक्ति, अभी ये 5 चीजें हैं आपको हैंड रेस करना है, और एक आज मैंने, अभी तो हमने समझा दिया, फिर भी चलिए आप लोग फिर हैंड रेस करिए और बताइए कौन कौन भक्ति योग में सब मोक्षों से बढ़कर है। भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है, भक्त कृष्ण की सेवा से जुड़ा है, 5 मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता। तो बताइए पहला, इसको क्या कहते हैं, भगवान के एक साथ एक होना। हैंड रेस कीजिए, नहीं तो चैट में डालिए, अभी अभी हमने चर्चा किया था, इसको क्या बोलते हैं, आज इसी पे पूरा चर्चा है, इस पे हमारा कॉन्सेप्ट, रूप गोस्वामी पाद, मुक्ति और भक्ति की क्या डिफरेंस है, मुक्ति क्यों तुच्छ पड़ जाती है, उसका पूरा हमारा साक्ष्य है। आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आज भगवान, आज रूप गोस्वामी पाद सिर्फ और सिर्फ एविडेंस देंगे, सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य, तथ्य प्रस्तुत करेंगे शास्त्रों में कि कहाँ कहाँ लिखा गया है कि ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ मुक्ति से। बस आज वही अध्ययन है, 4था अध्याय का यही अध्ययन है। चलिए, वंदना माता जी, हरे कृष्ण माता जी। पहला क्या है, भगवान के साथ एक होने, क्या कहते हैं उसको, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी सायुज जी, हरि बोल, बिल्कुल, सायुज मुक्ति, भगवान से तत्कार होना, ठीक है। दूसरा है एक ही ग्रह पर निवास करना, सुनीता बंसल माता, हरे कृष्ण, इसको क्या कहते हैं, एक ही ग्रह पर निवास करना, सुनीता बंसल माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण, बिल्कुल सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में ही जाना। बिल्कुल, हरि बोल। ये हरे कृष्ण, सालों के, स मतलब साथ में रहना,
लोक मतलब भगवान के ग्रह रहना सालों के, तो इसको इसको याद कर लीजिए। इस तरह की मुक्ति होती है, पांच तरह की मुक्ति होती है। सायुज हमने पढ़ा, सालों के पढ़ा। एक ही ऐश्वर्य रखना यानी भगवान जिस तरह हैं वो ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, देवेश चंद्र पर या प्रभु, हरे कृष्ण देवेश प्रभु, क्या कहते हैं प्रभु तीसरे वाले को, एक ही ऐश्वर्य ऐश्वर्य रखना जी। एक शाहरुख शाष्टी होता है प्रभु, सारूप्य आगे आएगा। भगवान, वो तो भगवान समारोह ईश्वर जो प्राप्त हुआ। अच्छा हाँ, शाष्टी होता है जो भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। अच्छा भगवान ऐश्वर्य पत्र साक्षी। यस जी, हरि 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 जी। और चौथा है समान शारीरिक विशेषताएं, अभी प्रभु ने बोल दिया था। प्रभु एक आगे थे, प्रभु ने हमें समझाया क्या होता है समान शारीरिक विशेषता ग्रहण करना। पुष्पा महुरी माता, प्लीज पुष्पा माता जी, हरे हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान बिल्कुल की समाप्त समान स्वरूप प्राप्त करना। बिल्कुल, सारूप, ठीक है। सारूप मतलब भगवान रूप, भगवान जैसा रूप प्राप्त करने की इच्छा रखना, ठीक है। अंततः क्या है, व्यक्तिगत होना। कौन बने, डॉक्टर राखी मित्तल माता जी, माता प्लीज, डॉक्टर राखी माता। इसको क्या कहते हैं, समान शारीरिक प्रभु जी सामिप्य, व्यक्तिगत, बिल्कुल सामीप्य, भगवान के निकट रहना, ठीक है। तो भगवान के निकट रहना, ये पांच तरह के हैं, सालोक सायुज, सालोक सामिप्य, शास्त्री सारूप, ठीक है। परंतु आप देखिए भक्ति क्या है, भक्ति में तो भगवान ने हमें समझा ही चुके हैं कि भक्ति क्या है, ठीक है। कि सारे चीज सारे धर्म को मेरे मुझ में अर्पित करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरे शरण में, मे माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ और सभी धर्मों का परित्याग कर दो। तो यहाँ पर तो ये आशा है, आकांक्षा, कुछ ना कुछ तो आकांक्षा है। सायुज तो चलिए उसको तो बिल्कुल निष्कासित कर दिया गया, सायुज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बच गए जो चार हैं, उसमें भी तो भक्त की इच्छा होती है कि मैं भगवान की ऐश्वर्य प्राप्त कर लूं, भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लूं, भगवान के लोक में निवास करने का मौका मिल जाए, ठीक है, भगवान के जैसा बिल्कुल साथ में रहने का मौका मिल जाए, भगवान के लोक में निवास करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ इच्छा है, भक्ति क्या है, इच्छा विहीन, अन्य अभिलाषिता शून्य, सारी अभिलाषाओं को शून्य करना, ज्ञान कर्माधनावृतम। व्यक्ति को उस बिंदु पर आना होगा, विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हुए कि किसी को मुक्ति, विशेष रूप से सायुज मुक्ति, भगवान के तेज में विलीन होना की इच्छा नहीं हो सकती, और फिर भी वह एक शुद्ध भक्त बना रह सकता है। अच्छा, एक चीज और इस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान का तेज, भगवान का जो तेज है वो भगवद गीता में कहाँ वर्णन किया गया है, ठीक है, और कहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि भगवान कहते हैं कि ये जो तेज है वो भी मेरे शरीर मेरे ये मेरे ही शरीर से निकलता है, ये कहाँ वर्णन किया गया, क्यों, ये हमें जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो जो शास्त्र अभी तक पढ़ा है, भगवद गीता पढ़ा है जैसे, तो हम आगे जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं इसको आपस में जोड़ करके पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सुंदर में, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने भगवत गीता में नहीं पढ़ा, ठीक है। भगवत गीता क्या है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीता अमृता महत। ये सब उपनिषदों का सार है, जितने उपनिषद हैं सब ग्रंथों का सार है। तो भगवत गीता में वो हर चीज मिलेगा जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता
बहुत जरूरी है। इसके साथ क्या होगा कि हम भगवत गीता को भी हम कोरिलेट कर पाएंगे और वहां भी हम रिवाइज हमारा रिवीजन होता रहेगा, नहीं तो हमारे में भूलने की क्षमता बहुत हो जाती है, तुरंत 2 दिन जो हम नहीं पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ वर्णन है, हैंड रेस कीजिए। अभी प्रभु ने एक हैंड रेस किया था, कहाँ वर्णन है? उर्मिला माता ने हैंड रेस किया। जी माता प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, 11वें अध्याय में। हाँ, 11वें अध्याय में कहाँ है माता? वो उसमें वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, उसमें नहीं है क्या? तो इंसान से तो उसमें ही होना चाहिए। माता जी, उसमें भगवान ने तो विश्व रूप विराट रूप दिखाया, उसमें तो सभी कुछ है, परंतु स्पेसिफिकली एक जगह भगवान बताते हैं 14वें अध्याय का 27वें श्लोक में क्या बताते हैं, ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अवश्य च। ये ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम्, प्रतिष्ठा ब्राह्मण मतलब, ये ब्राह्मण मतलब यहाँ हो गया ब्रह्म यानी मेरी तेज, प्रतिष्ठा अहम्, प्रतिष्ठा का क्या मतलब, ये जो अंदर मेरे से ये मेरे के प्रतिष्ठा मतलब बैठना, ठीक है, ये जो तेज है ये मेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, यानी ये जो लीन है ब्रह्म, ब्रह्म ने वही प्रतिष्ठा अमृतस्य अवश्य च, ये अमृत के समान है, अव्यय है, ऐसा करके भगवान 14वें अध्याय के 27वें में बताते हैं। यानी ये जो तेज है ये भी भगवान के शरीर से निकला हुआ है, ठीक है, ऐसा करके भगवान हमें समझाते हैं। जी, तो हरी 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 माता जी, बिल्कुल। तो व्यक्ति क्या है? भक्त सिर्फ ब्रह्म तक को पहुंच पाता है, उसके ऊपर नहीं देख पाता है, जबकि भगवान ने 14वें अध्याय के 27वें बता चुके हैं क्या, कि ये ब्राह्मण जो है जिसमें ब्रह्म है जो तेज है वो भी मेरे शरीर से निकला है, हालांकि वो भी अमृतस्य अवश्य च है, अमृत के तुल्य है, अवश्य है, शाश्वतस्य च धर्मस्य, ये शाश्वत भी है ऐसा भगवान बताते हैं, परंतु यहाँ पर रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये यहाँ भी जो व्यक्ति पहुंचता है उसको प्रसन्नता मिलती है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्ते लभते पराम। 18वें अध्याय में दोबारा इस चीज को रिपीट करते हैं, ब्रह्म भूत में पहुंच गए तो ठीक है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा प्रसन्न हो जाओगे, न शोचती न कांक्षती, कोई शोक करने के लिए कोई चीज बचता नहीं है, ठीक है, तुम वहां खुश हो जाओगे, परंतु वहां भी क्या होना करना पड़ेगा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम, परंतु वहां पर भी भक्ति करनी पड़ेगी तब मद भक्ते लभते पराम होगा, यानी कि तब मुझे प्राप्त कर पाओगे, मद भक्ते लभते पराम होगा, भक्ति मद भक्ते, भक्ति मुझे प्राप्त करना होगा, भक्ति करती रहनी पड़े करता करते रहना पड़ेगा तब मैं प्राप्त होऊंगा। तो सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म के अवस्था तक पहुंचना श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है, चलिए। अब एविडेंस पे आते हैं, ठीक है, अब ये पूरा जो अध्याय है सिर्फ एविडेंस है कि आज किस चीज का एविडेंस दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, कि शुद्ध भक्ति के अभ्यास करने के जो शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के योग्य है वे भक्ति भुक्ति या भक्ति भुक्ति होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, भुक्ति और मुक्ति को अस्वीकार करते हैं, उसके लिए भौतिक भोग और मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, ऐसा क्यों कहाँ कहाँ लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। पृथु महाराज, बीच बीच में हम अभी आप अपने अपने जिनके पास हार्ड कॉपी है वो किताब खोल लीजिए, 4वां अध्याय, बीच बीच में हम थोड़े थोड़े पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। पृथु महाराज पहला क्या कहते हैं, 4:20 पृथु महाराज श्रीमद भागवतम में कहते हैं, कृपया मुझे लाखों जीव और कान दें, मैं कभी मुक्ति नहीं मांगूंगा। पृथु महाराज कह रहे हैं कि मुझे लाखों जीव दीजिए, लाखों जीव और कान दें, ऐसा भगवान पृथु महाराज कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं श्रवण इसको पढ़ते हैं इसमें तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा और अच्छा लगेगा पढ़ने में। कोई हैंड रेस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे।
शिंभू प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। पहला पैराग्राफ पढ़िए, मैं हैंडराइट मैं मार्किंग करूंगा, वहीं से पढ़िएगा, ठीक है? बस यहाँ पढ़िए, इतना पढ़िए, फिर समझते हैं पृथ्वी महाराज क्या बोलते हैं। श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय के 20वें खंड के 24वें श्लोक में वे कहते हैं, हे देव, यदि मुक्ति होने पर आपके चरण कमलों के जय ज्ञान में शुद्ध भक्तों के हृदय से गूंजने वाली आपकी अमृतमयी कीर्ति सुनने को नहीं मिलती तो मैं उस मोक्ष अथवा ब्रह्मैक्य को कभी नहीं लूंगा। मेरी तो बस निरंतर यही प्रार्थना है कि आप मुझे असंख्य जी हाँ और कान प्रदान कीजिए जिससे मैं सर्वदा आपकी दिव्य कीर्ति का श्रवण कीर्तन करता हुआ परमानंद में निमग्न रहूं। यहाँ पे पृथ्वी महाराज क्या हमें सिखा रहे हैं, पृथ्वी महाराज अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि उन्हें की उनकी भक्तों की कोई इच्छा नहीं होती। धन्यवाद प्रभु, शंभु प्रभु, हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं, और मैं आपसे बस इतना आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे लाखों कान दे दीजिए, लाखों मुंह दे दीजिए, जिह्वा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि लाखों कान दे दीजिएगा तो लाखों आपके श्रवण करूंगा, लीलाओं का श्रवण करूंगा, ठीक है? भक्त क्या करता है, भक्त का होता है एक बहुत अच्छा वर्ष आता है ना, क्या वर्ष है, श्रीमद् भागवतम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर वर्ष है कि वहां पे बताते हैं नैमिषारण्य के ऋषिगण कि जितना मैं सुनता हूँ आपके शास्त्रों का, जितना भगवान की लीलाओं को सुनता हूँ और सुनने की इच्छा करती है, और सुनने की इच्छा होता है स्वादु स्वादु पदे पदे, ठीक है? तो जितना स्वाद ले, जितना सुनता हूं उतना स्वाद लेने की इच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पे वही पृथ्वी महाराज कह रहे हैं, मुझे लाखों कान दे दीजिए, लाखों जिह्वा दे दीजिए। कान जितना ज्यादा होगा उतना आपके बारे में सुनूंगा, और जिह्वा जितना होगा उतना आपको लीलाओं का कीर्तन करूंगा, ठीक है? उतना गुणगान करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म कै मतलब क्या होता है, ब्रह्म मुक्ति, सायुज मुक्ति, खासकर सायुज मुक्ति के बारे में यहाँ चर्चा, तो यही चर्चा आज पूरा चलने वाला है, ठीक है? दूसरा क्या उल्लेख आता है देखिए, भरत महाराज का उल्लेख आता है, ठीक है? यहां से पढ़िए आप लोग। कोई हैंड रेस कर सकते हैं, यहां से पढ़िए। पहला एविडेंस देखा हमने, दूसरा एविडेंस, 27 श्लोक, 27 साक्ष्य हैं, उसको बहुत जल्दी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश। वंदना माता जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत अध्याय 5 स्कंद 14 के 44वें श्लोक में ही एक अन्य सदृश वाक्य है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, भक्त प्रवर, राजा भरत श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में इतने अतिशय अनुरक्त थे कि उन्होंने बड़ी सुगमता से पृथ्वी पर अपने शासन तथा समाज मित्र राज्य ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री के मोह को त्याग दिया। देवगण भी जिसके लिए ललचाते रहते हैं वे लक्ष्मी देवी तक उन पर प्रसन्न थी, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। राजा भरत के इस आदर्श व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सुखदेव आगे कहते हैं, भगवान की सेवा में जिनका मन अनुरक्त है, भोगों की तो बात ही क्या, उनके लिए तो महामुनियों द्वारा वांछित मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। जी, ये हरे दूसरा, कृष्ण हर धन्यवाद माता, हरे कृष्ण। ये दूसरा साक्ष्य है, पहला साक्ष्य पृथ्वी महाराज का हमने देखा, जहां पर कह रहे हैं लाखों कान और मुंह देख लीजिए ताकि आप मुझे आपके लीलाओं का श्रवण कर सकूं, कीर्तन कर सकूं। दूसरा ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि राजा भरत हैं वो भगवान के बस सेवा करने के लिए अनुरक्त हैं, और उन्हें कुछ भी और कोई भौतिक भोग नहीं चाहिए, ठीक है? देवतागण भी भौतिक भोग, स्वर्ग लोक में क्या है, स्वर्ग लोक में डिफरेंस क्या है, स्वर्ग लोक और ऊपर के लोक में क्या डिफरेंस है? स्वर्ग लोक तक में भी देवतागण क्या है, ऐश्वर्य, वहां असीम ऐश्वर्य है, तो वो ऐश्वर्य चाहते हैं, ठीक
है, ऐश्वर्य के लिए वहां वहां पे बहुत ऐश्वर्य है, परंतु धाम में क्या है, वहां बस भगवान की सेवा करने की इच्छा और कोई इच्छा नहीं। ठीक है, चलिए ये दूसरा साक्ष्य है। और क्या साक्ष्य आता है, 6/11/25। ये एक पैराग्राफ पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं। उर्मिला माता जी, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट करके पढ़िए इतना छोटा पैराग्राफ। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत छठे स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक में वत्रासुर भगवान ने भगवान से कहता है, हे भगवान, आपकी भक्ति को छोड़कर मैं न स्वर्ग पद को, न महेंद्र पद को, न त्रिलोकी के सार्वभौम राज्य को, न योग की सिद्धियों को और न मोक्ष को ही चाहता हूँ। मुझे तो बस आपके शाश्वत संग और प्रेम सेवा की इच्छा है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्यवाद माता। बिल्कुल, वृतासुर कौन है? वृतासुर, उनका जन्म असुर योनि में हुआ, लेकिन भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। इनकी एक अलग कथा है, वो बहुत लंबी है, वो अभी नहीं चर्चा करेंगे। परंतु वो तथ्य क्या है, देखिए तथ्य देना क्यों आवश्यक है? तथ्य देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल, आचार्य हमें क्या समझा रहे हैं, आचार्य हमें ये सिखाना चाह रहे हैं, कोई भी हम मुख से प्रिंसिपल एक बोलते हैं या कुछ चीज समझाते हैं तो उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए। क्या एविडेंस होना चाहिए? शास्त्रों का एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे भी कुछ भी समाज में जाकर नहीं बोल सकते। ठीक है, भगवान ने 17वें अध्याय में वाणी की तपस्या, तीन तपस्या बताई ना, शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च, सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम् तप उच्यते। वाड्मयम्, वाड्मयम् मतलब बोलने की, वाक वाक का तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक बोलनी है हमें, वाणी की तपस्या ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो अनुद्वेग करम वाक्यम, हम जो कह रहे हैं किसी को शुद्ध नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि सामने वाले को तकलीफ हो जाए। ठीक है, ये हम कहें कि नहीं, मेरा तो बोलने की आदत है, मैं तो सच ही बोलता हूँ, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, बहुत लोगों की आदत होती है। लेकिन हमें क्या भगवान समझा रहे हैं 17वें अध्याय में? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए। सत्य तो बोलना ही है बट प्रिय भी होना चाहिए। ठीक है, सत्य भी बोलना है, साथ में प्रिय भी होना चाहिए, अनुद्वेग भी होना चाहिए, यानी किसी को शुद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन होना कैसा चाहिए? स्वधाय अभ्यासनम चैव, यानी अध्ययन करते हुए। स्वधाय, स्वधाय का मतलब है पढ़ना चाहिए, पढ़ करके शास्त्रों के अनुसार कोट करना चाहिए। अगर हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम होगा कि ये चीजें कहाँ लिखी। देखिए प्रभुपाद जी भी, जब आप तात्पर्यों को पढ़ते हैं तो कोई भी चीज वो अपनी मनोकल्पना से उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, वो हर तात्पर्य में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि ये शास्त्र में यहाँ लिखा है, ये शास्त्र में यहाँ लिखा है, ये यहाँ का शास्त्र है, यहाँ लिखा है। तो कोई भी प्रिंसिपल जब स्थापित करते हैं तो उसके लिए एविडेंस देना बहुत जरूरी है। तो रूप गोस्वामी पाद वही कर रहे हैं कि मुक्ति जो है वो छोटी क्यों है, तो ऐसा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो लिखा हमने, यहाँ पे लिख रहे हैं वृतासुर भी यही कह रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा के अलावा और कोई चीज की आकांक्षा नहीं है। ठीक है, और क्या आता है, 4/18/74। ये पढ़िए कोई।
पुष्पा माता जी, अनम्यूट कर लीजिए उन्होंने ना जी। पुष्पा माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इंद्र अपनी माता अदिति का संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे माता, निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति करने वाले भक्त जन ही वास्तव में अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे पुरुष वास्तव में स्वर्ग स्वार्थ कुशल हैं और जीवन ही संसिद्धि की ओर उन्नति करने में परम दक्ष माने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इंद्र अपनी माता को भी समझा रहे हैं, ये साक्ष आता है, क्या कह रहे हैं कि निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति करने वाले भक्तजन ही वास्तव में अपने स्वार्थ को जानते हैं। उनको मालूम है, इंद्र इंद्र अपनी माता से कह रहे हैं कि वो भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या स्वार्थ है उनको मालूम है। क्या स्वार्थ है? विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है ना, परम दृष्टवा निर्वर्तते, यानी जो भक्ति करता है उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, परम दृष्टवा निर्वर्तते। ठीक है, जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो नीचे की चीजों करने की उसको अभिलाषा ही नहीं रहती। ठीक है, उसको भौतिक भोग की इच्छा ही नहीं रहती, भक्ति में इतनी आनंद उसको आने लग गया है, टेस्ट हायर हो गया उसका, उसने अपने स्टैंडर्ड ऊपर कर ली। ठीक है, ये तो विषय, देखिए इंद्रियों को अपने जो जितने हमारे इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिना। ठीक है, निराहरस्य देहिना यानी भी इसको कितना भी कोशिश कीजिएगा रोकने का कि नहीं, आज तो टीवी में ये आ रहा, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना है, गीता में ऐसा पढ़ा है हमने कि नहीं देखना चाहिए, ये सब नहीं देखना चाहिए, तो क्या है? लेकिन इंद्रिया, आत्मा तो हमारा एक्टिव है ना, वो कुछ ना कुछ तो करना चाहेगा, तो क्या करने के लिए भगवान हमें बताते हैं, रसो वर्ज्य रसोपस्य। रोक तो नहीं सकते, रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। तो ऐसे रस में अपना इंद्रियों को लगाओ ताकि तुम्हारा टेस्ट जो है हायर हो जाएगा। हायर होने के बाद क्या है, तुमको स्वतः ही तुम्हारे सामने कोई कुछ भी खा रहा है, लेकिन आपको उसको उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप उससे अच्छा चीज खा रहे हैं, आपका टेस्ट ज्यादा, आपकी जो पैलेट की टेस्ट है, जीवा की जो टेस्ट है, और ऊपर हो गया है। तो जब जब किसी व्यक्ति को अच्छा चीज खाने के लिए मिल गया हो तो वो निम्न चीज को क्यों छुएगा? ठीक है ना, तो किसी चीज को उसने बंद नहीं किया, अपने इंद्रियों को रोका नहीं, यार अरे नहीं खाना इस चीज को, उसने क्या किया, अपना टेस्ट को ऊपर डेवलप कर लिया। वही इंद्र बता रहे हैं अपनी अदिति को, उसकी उसको स्वार्थ मालूम चल गया है, उसको टेस्ट हायर मिल गया है ना, तो वो मुक्ति और भुक्ति के पीछे नहीं भाग रहा है। ठीक है, ऐसा समझा है। और फिर क्या आता है, प्रहलाद 7-6-25, 7-6-25, चलिए ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रश्मिता समंतरे, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए, पढ़िए, हरे तो फास्ट कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। महाराज प्रहलाद 7-6-25 का वचन है। हे दैत्य मित्र, भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ रह सकता है? यदि भगवान तुष्ट हो जाए तो तुम्हारे हृदय के संपूर्ण मनोरथ निसंदेह सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा अपने आप सिद्ध होने वाले सकाम कर्मों से क्या लाभ? निरंतर भगवत कीर्ति का गान करते हुए उनकी चरणा माधुरी का आस्वादन करने वाले के लिए मुख्य से भी क्या लाभ? प्रहलाद महाराज के इस वाक्य से स्पष्ट है कि जो भगवान की दिव्य कीर्ति के श्रवण कीर्तन में सुख का अनुभव करता है, वह सब प्रकार से प्राकृत सुखों, पुण्य कर्मों, यज्ञों और मोक्ष तक का उल्लंघन कर चुका है। हरी बोल माता, हरी हरी, थैंक यू, धन्यवाद। जी प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं। प्रहलाद प्रहलाद महाराज कौन थे? हिरण्य कश्यपु के पुत्र और भगवान के भक्त थे। असुर योनि में उनका जन्म हुआ था। पूरा नरसिंह आरती उन्हीं पे, पूरा इसी पे है। हम लोग सुबह सुबह नरसिंह आरती करते हैं। तो
प्रहलाद महाराज अपने मित्र को क्या कह रहे हैं, अपने मित्र को क्या कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में निरंतर उनके श्रवण और कीर्तन में अपना समय बिता रहा है, उनके लिए प्राकृतिक सुखों, पुण्य कर्म, यज्ञों और मोक्ष तक का उल्लंघन कर चुका है, उनके लिए वो निम्न हो जाते हैं। कई व्यक्ति समाज में आप देखते होंगे कि उनको तो अपनी भौतिक इच्छा से वो विलुप्त हो गए हैं, उनको अपने स्वयं की इच्छा की कोई कामना नहीं, परंतु उनके पास कोई और इच्छा विकसित होगी, वो क्या है, वो है पुण्य कर्म करने का। राष्ट्रवाद आ जाता है, पुण्य कर्म करना, वो गरीबों का खाना खिलाना, हॉस्पिटल का निर्माण करना, ठीक है, इस तरह का कार्य, उस स्वयं की इच्छा के लिए नहीं, लेकिन यहाँ भी उसकी इच्छा प्रबल हो जाती, भौतिक मतलब शारीरिक इच्छा तो उनकी कम हो गई, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो शारीरिक इच्छा है उसको भौतिक भोग बोलते हैं, एक मुक्ति की इच्छा, मुक्ति के कौन है, भगवान में लीन होना चाहते हैं, मुक्ति उसको भी बोला जाता है कि अपनी शारीरिक इच्छा से तो वो विक्षुब्ध हो गए, परंतु और वाद में संलग्न हो गए, क्या 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 वाद, राज्यवाद, समाजवाद, मतलब राज में, अरे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, भूख इतने हमारे देश में इतने लोग भूखे हैं, उनको खाना खिलाओ, ठीक है, और खाना भी क्यों खिलाना चाहते हैं, ताकि उनका कभी ना कभी यश फैले, उनका भी यश हो, उनको स्वयं की तुष्टि मिलती है, स्वयं का तुष्टि है यहाँ पे, ठीक है, स्वयं को तुष्टि मिलता है, अस्पताल बनवाओ, कोई गलत नहीं है ये, इसका शास्त्रों में उल्लेख है, गलत नहीं है ये, पुण्य कर्म है, लेकिन इसमें क्या है, स्वयं को तुष्ट कर रहे हैं, भगवान कहाँ प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान ने तो कहा है कि सारी चीजों को मुझे अर्पित करते हुए करो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, ऐसा 9वें अध्याय के 27वें में बताया है ना उन्होंने, कि जो कुछ अर्पित कर रहे हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अगर हम पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, अगर अस्पताल भी भूखों को खाना खिला रहा है, तो हमें कैसे भूखों को खाना खिलाना है, भूखों को अगर हम खाना खिला रहे हैं और ये समझ करके खिला रहे हैं कि ये भगवान के अंश है, तो इनके सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर हम अपनी प्रसन्नता उसमें ढूंढेंगे, अरे मेरे को शांति मिल गया, तो वो स्वयं की इच्छा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब कौन सा आ रहा है, 7, 8, 42, ठीक है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहां तक बस इतना। डॉक्टर राखी मोहन, प्लीज अनम्यूट करके पढ़ लीजिए, मतलब प्लीज। कृष्ण जी प्रभु जी, इसी प्रकार 7वें स्कंध में अध्याय 8 श्लोक 42, जहाँ देवता गण भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5:29 में भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंद्र भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे परम पुरुष, ये दैत्य यज्ञों में हमारे भाग का अपहरण करना चाहते हैं, परंतु नरसिंह रूप में प्रकट होकर आपने महाभय से हमारा त्राण कर दिया, वास्तव में हमारा यत् भाग आपसे ही है, क्योंकि आप संपूर्ण यज्ञों के परम भोक्ता हैं, ठीक है, आप जीव मात्र के अंतर्यामी सबके यथार्थ स्वामी हैं, हमारे हृदय बहुत समय से इस दैत्य हिरण्यकश्यप के भय से आक्रांत थे, परंतु आप हम पर इतने कृपाशील हैं कि इसे मारकर आपने हमारे हृदयों से भय को भगा दिया और हमें अवसर दिया कि हम आपको अपने हृदय में फिर अभिराजित कर सकें, ठीक है। तो इंद्र भी तुष्टि करते हुए क्या कह रहे हैं नरसिंह देव से कि आपने नरसिंह देव को मार के हमारे हृदय में जो अभी भय था उस भय को भी आपने हटा दिया और सिर्फ आप स्थापित हैं, ठीक है। क्विकली और 8:3:20 का पढ़ते हैं।
कोई यहाँ तक पढ़िए, बस इतना ही, दो लाइन पढ़िए। प्रीति रानी माता जी, अनम्यूट करके पढ़िए माता जी, प्रीति रानी माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में इसी इसी के समान गजेंद्र ने कहा है कि प्रभु आपके भक्ति योग के दिव्य सुख का मुझे अनुभव नहीं है, इसी इसीलिए आपकी कृपा की याचना करता हूँ। बस माता, हरे कृष्ण, हरे थैंक यू, धन्यवाद। तो गजेंद्र ने क्यों भगवान की स्तुति किए थे? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार लोग हैं ना, पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय में चार कनिष्ठ भक्त होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? आर्थ अर्थार्थ हो अर्थार्थ हो आर्थ अर्थार्थ हो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ठीक है? आर्थ कौन थे? गजेंद्र का हमने उदाहरण पढ़ा था। गजेंद्र क्या था? मगरमच्छ ने पकड़ लिया था उनको, उनके पैर को पकड़ लिया था, छोड़ी छोड़ी नहीं रहे थे। तो गजेंद्र ने गुहार लगाई भगवान का, भगवान के भक्त थे, गुहार लगाई, भगवान आए और उनको उस तकलीफ से, विपदा से दूर किया, ठीक है? तो गजेंद्र ने क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति योग के दिव्य सुख का मुझे अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो तो शुरू में भगवान को भक्ति के लिए नहीं पुकारा उन्होंने, कुछ तकलीफ में थे, कनिष्ठ भक्त। द्रौपदी भी क्या है, वो तकलीफ में थी तब उन्होंने पुकारा भगवान, साड़ी के रूप में, कपड़े के रूप में, नाम के रूप में आए। ठीक उसी तरह गजेंद्र ये कह रहे हैं कि मुझे ये भक्ति का अनुभव नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पुकारा, पर जैसे ही आप आते हैं तो ये सारे चीजें, विपदा मुझे फिर सुख की कामना नहीं रह जाती, ठीक है? ध्रुव महाराज भी ऐसे बोलते हैं ना। ध्रुव महाराज क्या थे? अर्थार्थी थे, भगवान अपना राज, अपने पिता से बड़ा राज की कामना के लिए भगवान का तप करने के लिए गए जंगल में, लेकिन जब भगवान नारायण का दर्शन होता तो क्या कहते हैं कि मुझे, मैं पत्थर के लिए याचना कर रहा था, मुझे हीरा प्राप्त हो गया। तो कनिष्ठ भक्त को भी गजेंद्र जो कह रहे हैं, साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सुख कामना कर रहे हैं, लेकिन जब आप मुझे दिख गए तो उससे बड़ा कुछ नहीं, ठीक है? नाग पत्नी 10 16 37। इसको पढ़िए। एंड्रेस कीजिए। और कोई पढ़ना चाहते हैं? रश्मिता माता जी, जी अनम्यूट करके ही पढ़िए। हरे कृष्ण। भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 16 श्लोक 37 में नाग पत्नी प्रार्थना करती है, हे गोविंद, आपके चरण सरोज की रज बड़ी अद्भुत है। जिस भगवान को यह सुलभ हो जाती है भाग्यवान जिस भाग्यवान को यह सुलभ हो जाती है वह न स्वर्ग पद को, न सार्वभौम राज्य को, न योग सिद्धि और न मोक्ष को ही चाहता है। आपके चरण रज का अनुरागी अन्य किसी भी सिद्धि को इच्छा नहीं करता। हरे कृष्ण माता, ठीक है? तो ये भी हमने साक्ष्य साक्ष्य देखा, जहां नाग पत्नियां कह रही हैं ये तुम्हारे चरण कमलों में धूल प्राप्त कर लेता है, उसे कोई भी सुख सुख और दुख की कोई परवाह नहीं होती। पर वो सुख दुख नहीं चाहिए, अगर उसका शरण मिल गया और कुछ की इच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है? कुछ और साक्ष्य बता देता हूं आपको। 10 87 21 में भी ये साक्ष्य प्रस्तुत होता है, जहां पे कहते हैं आपके भक्तों ने सभी सुखों का स्वीकार कर दिया और पूरी तरह से भक्ति सेवा में विलीन हो गए हैं। हम्म, 11 20 34 में कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मेरे भक्त चार प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये आध्यात्मिक चार प्रकार के ऐश्वर्य कौन से हैं? पांचवा क्यों नहीं बोला भगवान ने? सायुज भगवान को भी, भगवान ने भी उसको निष्कासित कर दिया, तो भगवान ने भी उसको बोल दिया सायुज, तो गिनती में भी नहीं आता मुक्ति के, ठीक है? तो चार ऐश्वर्य, सामीप्य, शास्त्री, सारूप्य और सालोक्य, ये चार भी भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि मेरे भक्त जो है वो इन चार तरह की मुक्ति, मेरे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने की मुक्ति,
मेरे जैसा मेरे लोक में निवास करने की मुक्ति, मेरे जैसा रूप ग्रहण करने की मुक्ति, मेरे जैसा मेरे निकट रहने की मुक्ति, इस सब में कुछ भी नहीं चाहिए उनको। ठीक है, मेरे भक्त को ब्रह्म इंद्र का पद या आठ रहस्यवादी सिद्धियां नहीं चाहिए। आठ रहस्यवादी सिद्धियां, इसको भी स्मरण करके रख लीजिए। पहला अध्याय में सामान्य भक्ति जब आया था तो आठ तरह की सिद्धियां हैं। ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, भक्त, जब जब छठा अध्याय हमने पढ़ा था तो ध्यान योग छा ना तो जब समाधि के स्तर पे पहुंच जाता है व्यक्ति, तो वहां पे भी पतन होने के चांसेस होते हैं। क्या कैसे चांसेस होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का, एक भक्त का वहां पे क्या इच्छा प्रबल हो जाता है कि मैं सिद्धियां प्राप्त करूं, अनिमा लघिमा। ठीक है, ऐसे आठ सिद्धियां होती हैं, अनिमा लघिम, बहुत सारे होता है, मुझे स्मरण नहीं है, बट आप याद कर लीजिए उसको, नहीं तो मैं एक दिन डिस्प्ले कर दूंगा। हल्का होना, अपने आप शरीर हल्का हो जाता तो पानी में भी चल सकता है, जो अनिमा लघिमा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वैसे अगर उसको भी भगवान के उपयोग में लगाएं तो वो ठीक है, लेकिन स्वयं को उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाता है। कई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं ना कई लोग, आप साधुगण को देखते होंगे, कई लोग क्या करते हैं कि कुछ जादू करते हैं। जादू भी एक क्या है, जादू भी सिद्धि है। सो चैन ले आया, उन्होंने चैन लेकर के भक्त को दे दिया, जाओ। भक्त बहुत अलंकारिक, बहुत तुष्ट हो जाते कि नहीं कुछ तो कुछ है बात, भगवान का इनका गुण है। बट ये क्या है, सिद्धि है। सिद्धि भी तुच्छ माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो समाधि के स्तर पर उसने पहुंच करके वो सिद्धियां हासिल कर रही है, लेकिन सिद्धि से भी क्या करना है, अपना तुष्टि कर रहा है, स्वयं को भगवान समझाने की कोशिश कर रहा है। हम भगवान क्या हो सकते हैं, ठीक है, नहीं, कोई भी नहीं हो सकता मनुष्य। ऐश्वर्य से समग्र से भगवान, पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा दी है, क्या दी है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशश्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चय व समन भगा इति गणा। छह चीजें उसमें असीम मात्रा में पाई जाती हैं, वो आप सबको याद है, धन बल ऐश्वर्य रूप बल और वैराग्य। तो ये अनलिमिटेड है, लेकिन अगर कोई सिद्धि अर्जित कर लेता है तो उसको भी लगता है कि मैं भगवान बन गया, सोने का चेन लेके आ जाएगा, कभी ये लेके आ जाएगा, और भक्तजन को बेवकूफ बनाता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसको वो भी नहीं चाहिए भक्त को। मार्कंडे ने शुद्ध प्रेम प्राप्त किया, इसलिए किसी भी आशीर्वाद की आकांक्षा नहीं करते। मार्कंडे ऐसा साक्ष्य आता है। दामोदर अष्टकम में भी ये आता है। कौन सा दामोदर, चौथा है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। इदम देमो, चौथा कौन सा वो आता है, चौथा ये आता है, उसमें ये सारांश ये है चौथा श्लोक का, दामोदर अष्टकम का, कि भक्त बोल रहे हैं जो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बाल गोपाल का शरीर, जो स्फूर्ति, अगर हृदय में स्फूर्ति हो जाती है तो उसके अलावा उनको कोई मुक्ति की भी कामना नहीं, सिर्फ भगवान बाल गोपाल चाहिए। हैंड रेस किया है किसी ने, अनुराग विश्वकर्मा प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वहां पर वही कहते हैं कि वरम देव मोक्षम न हाँ, मोक्षावधिम। वरम देव मोक्षाम ना मोक्षाम वदिम वा न चाहम वृणेहम वरेषादपि, यही है ना, यस प्रभु जी, इदम ते वपुर्ना तो गोपाल बालम गोपाल सदा बालम। निखिलम वरिष्ठम की नम की मन्य। हरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। कृष्ण, तो अनुराग प्रभु जैसे समझा रहे हैं, बिल्कुल चौथा जो स्कंद है, चौथा जो श्लोक है, उसमें कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर बाल गोपाल मेरे हृदय में स्फूर्त हो जाते हैं तो वो मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है, कुछ और करते हैं। ऐसा पंचरात में भी आता है, हनुमान आपकी सेवा करके गौरवशाली है, इसलिए मैं भी केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये प्रहलाद महाराज साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं हनुमान जैसे, हनुमान जी सिर्फ अपनी सिद्धियों को, अनीमा लघिमा लघिमा,
बड़ा बन जाना, छोटा सा बन जाना, वो भी क्या करते थे, भगवान की सेवा में लगाते थे, भगवान राम की सेवा में लगाते थे। कभी बड़े बन जाते थे, कभी छोटे बन जाते थे। बड़े बन करके भगवान राम को उठा करके फिर युद्ध करते थे रावण के साथ, छोटे बन जाते थे। सब सिद्धियां भी उन्होंने भगवान के, अष्ट अष्ट सब सिद्धि निधि, हनुमान जी का क्या कहा जाता है कि उनके पास आठों सिद्धियां हैं, ठीक है, लेकिन वो सिद्धियां भी हैं, के अष्ट सिद्धि निधि के दाता, तो दाता नवनिधि के दाता, तो वो भी जो हनुमान जी हैं, वो अपनी जितनी भी सिद्धियां हैं वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मैंने सुना है कि मुक्त होने वाले को भी भक्त बनना पड़ता है और वे बहुत दुर्लभ है। यदि केवल परमहंस ही आपको जान सकते हैं, कुंती माता कह रही है, यदि केवल परमहंस ही आपको जान सकते हैं तो मैं कम बुद्धिमान हूं, मैं आपको कैसे जान सकते हैं, ऐसा कुंती महारानी कह रही है। फिर आत्माराम छंद भी आता है, एक साथ दस में बहुत अच्छा वर्ष है। जो मुक्त हो जाते हैं वे भी कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित नहीं होते, उनको उनको भगवान की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो सारांश क्या है इस अध्याय का? इस सारांश ये है कि पांच तरह की मुक्ति जो होती है, भक्त विशेष रूप से प्रथम प्रकार की मुक्ति को अस्वीकार करते हैं। तो हमने देखा कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, वो चार तरह का ही ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सायुज को लेने के, सायुज जो है वो गिनती में ही नहीं कर रहे। तो भगवान के साथ एकाकार करना, एक ग्रह पर रहना, भगवान के समान शारीरिक विशेषताएं, भगवान के समान ऐश्वर्य, प्रभु की निरंतर संगति, ये जो है कुछ भक्त अन्य चार प्रकारों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे परिपक्व होते हैं प्रेम प्रमुख होता जाता है। शुरू में ठीक है, चार अगर ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेशु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। शुरू में ब्रह्म भूत अवस्था तक पहुंच गए, ये चार ऐश्वर्य प्राप्त कर ली, वो शुरू के ठीक है, लेकिन वहां पर भी जाके मद भक्ते लभते पराम, वहां भी भक्ति करनी पड़ेगी तब मुझे प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान समझाते हैं 18वें अध्याय का 54वें श्लोक में। वृंदावन के भक्त का क्या है? हालांकि केवल कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, अन्य चार प्रकारों में से ठीक है, यदि विशेष रूप से जुड़ा हुआ हो तो भक्त को अन्य रूप में पुनर्निर्देशित नहीं करता। नारायण और राम में भेद नहीं जानते, हनुमान फिर भी राम स्वरूप जुड़े हैं। भगवान का जो भक्ति करता है, ठीक है, तो जैसे हनुमान, हनुमान जी भगवान राम, बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं ना, नारायण में और राम में क्या फर्क होता है? तो भगवान हनुमान, जो हनुमान जी, वो हमें समझाते हैं, यत देखिए भक्त क्या करते हैं, भक्त अपने आचरण से हमें समझाते हैं, यत्ता चरिति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन सय प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो क्या समझाते हैं कि नारायण, हनुमान जी क्या समझाते हैं, वो नारायण और राम में कोई भेद नहीं करते, उनको मालूम है नारायण कौन है राम कौन है, और राम जो है नारायण ही है, परंतु फिर भी उनको क्या उनको क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ राम की भक्ति में लीन है। तो भक्त क्या है, कोई भी भगवान के किसी भी अवतार में लीन हो सकता है, लेकिन उसको तथ्य मालूम होना चाहिए। जैसे हनुमान जी, उनको मालूम है नारायण कौन है राम कौन है, परंतु राम की भक्ति में लीन है, ठीक है। अंततः क्या है इसमें, ये सारांश में इसको हम समझ के आज का चौथा अध्याय, श्री रूप गोस्वामी को इतने सारे उदाहरण में ये समझाने हमें इतना प्रयास क्यों करना पड़ा कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति का आनंद, मुक्ति से प्राप्त आनंद से कहीं अधिक है, क्यों इतना प्रयास किए? वो निश्चित रूप से वह मायावादियों को हराना चाहते थे, क्योंकि मायावादी क्या है, मायावादी कौन होते हैं, मायावादी वो होते हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है, वास्तविक कारण यह है कि कृष्ण केवल उन लोगों को भक्ति प्रदान करेंगे जो मुक्ति की ओर इच्छुक नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए वे इच्छाएं हमारे हृदय में उखड़ जाएं और कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में बनी रहे। शील रूप गोस्वामी ने इस बात पर जोर देने के लिए एक के बाद एक 27 श्लोक दिए हैं ताकि हम अपने हृदय से छुटकारा पा सकें मुक्ति की प्रबल इच्छाएं की, और तब कृष्ण हमें भक्ति में सेवा में लाभान्वित कर सकते हैं। भक्ति स्वर्ग नरक तथा मुक्ति के प्रति उदासीन रहता है,
भगवान की भक्ति से वह कितना संतुष्ट होगा, वह उन चीजों के प्रति उदासीन है, वह उन्हें समान रूप में देखता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा। भगवान शिव जो है वो पार्वती को बताते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए ना नर्क चाहिए, वो किसी चीज की कामना ही नहीं करते। ठीक है, वो भगवान की सेवा में लीन होना चाहते हैं। तो यहाँ पे चौथा अध्याय का सारांश ये है कि रूप गोस्वामी पाद को इतने उदाहरण देने की क्यों आवश्यकता पड़ी। पहला बता रहे हैं कि एक तो मायावादी को ये साक्ष्य प्रस्तुत करना था कि भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान की किसी किसी भी तरह की इच्छा नहीं रखता, किसी भी तरह का उसके पास अभिलाषाएं जो है भगवान में तदाकार होने की अभिलाषा वो नहीं रहती, सारी इच्छाएं को हृदय से उखड़ जाए, क्योंकि वो सारी इंद्रियों को भगवान में लगाए। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां होते हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां होते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से ये सारांश सारांश इस अध्याय का यही सारांश है। ठीक है, हरे कृष्ण, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इसके साथ आपका चौथा अध्याय समाप्त होता है। कल हम कोशिश करेंगे पांचवा भी बहुत ही छोटा अध्याय है। ठीक है, और इसी का एक्सटेंशन है जो हमने आज अध्ययन करा। पांच और छठा अध्याय को हम कल समापन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, किन्हीं का संशय है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण सौरभ प्रभु, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हम लोग कुछ दिन पहले लेवल 2 का क्लास खत्म किए, तो आज लेवल 3 का आपके साथ पहला क्लास था। तो इससे पहले जो चैप्टर हुआ था, कुछ PPT वगैरह या नोट्स मिल सकते हैं? पहले चैप्टर जो आपने किया था, आज हम तीसरे चैप्टर के साथ आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। जी, मुझे ज्ञात है, मुझे मालूम है कि आप में से काफी लोग जुड़े हैं, प्रथम क्लास है। तो प्रभु ऐसा है कि दो चीजें उपलब्ध होंगी। पहला कि YouTube में अभी तक आपको लिंक भेज देंगे, इसमें लिंक माता भेज देंगे, एडमिन जो है वो भेज देंगे, तो उस लिंक में सारे रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, प्रथम। दूसरा, हम काफी स्लो चले हैं एक्चुअली, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे थे, मुझे मंदिर से मालूम है कि आप लोग ज्वाइन करने आए, अदरवाइज हम अभी हमारा काफी आगे बढ़ जाना था, तो काफी हम लोग स्लो चले हैं। तो अभी बाप रे, ज्यादा प्रथम अध्याय, और जब ये साइकिल में चलता है ये लेवल, जब ये तीन किताबें खत्म हो जाएंगी दोबारा ये किताब दोबारा शुरू होगी। ठीक है, तो ये साइकिल में ओके चलता प्रो, रहता है, तो आप लेक्चर सुन लीजिए और ओके साथ प्रो, में किताब पढ़िए। भक्ति वृक्षा का भी क्लासेस चलते रहता है साथ में, तो उसको भी ज्वाइन करके आप सुबह सुबह पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे भक्तगण लोग आपस में पढ़ते हैं मिल करके, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, ओके आप प्रो, कवर कर लीजिएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा हमने कवर नहीं किया। थैंक यू प्रो। वंदना माता जी, हरे कृष्णा जी, बोलिए माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक बार मुक्ति और मोक्ष को क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा दोनों में एक ही माता, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। मुक्ति और मोक्ष एक ही है। पांच तरह की मुक्ति है जिसको हमने आज पढ़ा है, पांच तरह की मुक्ति है सारी। मोक्ष और मुक्ति एक ही चीज है, और जो पांच तरह की मुक्ति है इसी को ही मुक्ति कहा जाता है। सायुज सालोक्य सामीप्य सारूप्य षष्ठी। ठीक है, भगवान में खासकर जो सायुज है, खासकर जो सायुज है वो धारणा है। वैसे तो पांच तरह के होते हैं, लेकिन सायुज को लेके बहुत फैसिनेशन है। फैसिनेशन का क्या मतलब है, भगवान में तदाकार होने को ही मोक्ष कहा जाता है, परंतु मोक्ष पांच में परिभाषित किया है, और पांच जो सायुज है उसको तो भगवान, आज भी हमने तथ्य में पढ़ा कि उसको तो भगवान मानते भी नहीं। तो मुक्ति का मतलब यही है माता जी, भगवान के भक्ति, उसको क्या हुआ है, वो भौतिक आसक्ति से खत्म हो गया, उसको शारीरिक
आनंद से खत्म हो गया, लेकिन भगवान के भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचा। ठीक है, वो बीच की स्थिति में, कई पुण्य कर्म कर रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, ऐसे कई लोग देखते होंगे ना समाज में, कि अपने से तो बिल्कुल विशुद्ध हैं, ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं करते, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। अनाथालय बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाते हैं, तो भूखों को खाना खिलाना, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये अगर स्वयं की इच्छा के लिए किया जाए तो वो मुक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक है माता। जी प्रभु जी, लेकिन जैसे हम लोग अभी तक सुनते आ रहे थे कि जैसे कोई बड़े बूढ़े होते हैं तो उन बोलते हैं कि भगवान मुझे मुक्ति दे दो ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो वो दोनों चीज को अलग चीज मानते थे, तो इसलिए मैंने पूछा ये बात कि वही मुक्ति तो, और मोक्ष में अंतर। बिल्कुल 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 ठीक, तो वही ये अध्याय पढ़िएगा, उनको समझाइएगा कि भगवान ने तो रूप गोस्वामी पाद ने हमारे हमारे सामने 27 एविडेंस रखे हैं, चौथे अध्याय में 27 एविडेंसेस हैं कि मुक्ति मुक्ति और मोक्ष। वैसे मोक्ष जो होता है प्रायः यूज किया जाता है सायुज के लिए, ठीक है, प्रायः यूज किया जाता, मुक्ति के 5 होते हैं, लेकिन मोक्ष को प्रायः सायुज के लिए यूज किया जाता है, भगवान में तदाकार होने का। ठीक है, तो उनको साक्ष्य प्रस्तुत कीजिएगा कि मुक्ति और मोक्ष जो है वो भक्ति से भी तुच्छ माना जाता है। मोक्ष लघुता, मोक्ष लघुता भक्ति के 6 में से क्या होता है, मोक्ष लघुता एक तरीका है जिसमें भक्ति जो है मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है। तो मोक्ष क्या है, सायुज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और मुक्ति 5 तरीके की होती है जो हमने अभी अध्ययन करा। ठीक है और प्रभु माता। जी एक चीज और, प्रभु जी जैसे जो लोग गोलोक धाम चले जाते हैं जैसे उनको, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे जो मतलब वापस पृथ्वी पर नहीं आते हैं? वो तो भगवान के वैष्णव हो गए, उनके लिए वैष्णव है, वो वैष्णव है, मतलब उनके लिए वैष्णव। मुक्ति या मोक्ष कुछ नहीं यूज करना नहीं, वो तो जी? चाहते ही नहीं ना, आज तो वही तो हमने अध्ययन किया, उनको तो वो स्वतः ही, वो तो सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं ना। देखिए कोई इच्छा नहीं है उनकी, उनकी एक ही इच्छा है, क्या इच्छा है, भगवान की सेवा करना, लेकिन मुक्ति और मोक्ष में उनकी इच्छा रह जाती है। क्या इच्छा रह जाती है, अब जैसे मुक्ति है, हमने 5 तरह की मुक्ति पढ़ी, ठीक है, उसमें खासकर 4 मुक्ति है, उसमें भी स्वयं की इच्छा है। क्या इच्छा है, कि हमको मुझे भगवान के जैसा रूप प्राप्त करनी है, या भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करनी है, भगवान में भगवान के लोक में वास करना है, ठीक है। लेकिन वैष्णव का क्या है, जो धाम जाना चाहता है, उसको धाम जाने की भी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो धाम जाने की इच्छा करता, अगर वो इच्छा प्रबल हो गई उसको कि नहीं मुझे के धाम जाना है, तो फिर वो मुक्ति की कैटेगरी में आ जाए। लेकिन वैष्णव क्या है, वो सिर्फ सेवा चाहता है, भगवान का सेवा करना चाहता है, और उसको जीवन में कोई अभिलाषा ही नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्य, उसकी अभिला उसी में आनंद है, उसको उसी में आनंद का चाहता है, और वो चाहता है, वैष्णव क्या चाहता है, भगवान मेरे लिए जहां भी रखेंगे, चाहे वो नरक हो, स्वर्ग हो, ऊपर का लोक हो, नीचे का लोक हो, वो कहीं भी रखेंगे उसके मैं खुश हूं, क्योंकि भगवान रखेंगे ना, उसकी ये इच्छा है। जो ऐसी इच्छा रखता है वो वैष्णव है, वो भगवान स्वतः ही भवामी न चिरत पार्थ, 14वें अध्याय में कहते हैं ना, हमें 12वें अध्याय में भवानी, मैं उनको तुरंत अपने धाम लेकर के जाता, जो कुछ भी इच्छा नहीं रखता वो वैष्णव हो गया। ठीक है आता। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो 84 लाख योनियां हैं अगर हमने उनको क्रॉस कर लिया तो उसके बाद हमारा क्या है, वो फिर से हमको वही 84 लाख योनियां में घूमना पड़ेगा या हमको मुक्ति मतलब वापस जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 84 लाख योनि घूमना पड़ेगा, जब तक आप इस बंधन से नहीं छूटते हैं, तब तक ये स्ट्रगल चलता रहेगा, तब तक बंधन छूटने का ही तो इलाज है, उसी का तो पूरा अध्ययन है हमारा, कि 84 लाख योनि को क्रॉस कैसे करना है। ठीक है, यही योनि में घूमते रहेंगे, जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये योनि में ही आप घूमते रहेंगे, और जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा योनि मिलेगा। 13वां अध्याय में तो हमने पढ़ा ही है ना जी पुरुष, प्रभु तो जी, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें शरीर प्राप्त होगा, और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार जननी के पेट में जठरे शयनम, हमारा जन्म होगा, माता कोई भी, वो माता कोई भी हो सकती है, मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, जी
वो 84 लाख जलचर हो सकता है, पक्षी हो सकता है, तो 84 लाख में ही घूमते रहेंगे। बिल्कुल माता, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जसपाल शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु, प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। प्रभु कृष्ण। जी, इसका कुछ टाइमिंग और सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है? शाम का प्रभु एक लेवल 3 और चलता है 8 बजे का, तो वो क्या स्टेज में है वो मुझे, शायद उसमें भक्ति रसामृत सिंधु हो गया है। मैं कुछ दिन वहां भी क्लास में था, तो मैंने 1 महीना वहां भी लिया। वो 8 बजे चलता है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो गया है प्रभु, वो आगे बढ़ गया है। वो शायद वहाँ इशु उपनिषद चल रहा है, तीन किताबें पढ़ रहा है। आगे बढ़ 8 बजे है, अगर आप चाहें तो माता को अपना नंबर दीजिए, वो शाम में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ 8 बजे भी है। नहीं, जाने का मतलब ये है ना प्रभु, सुबह का ये जो शेड्यूल है ना हमारा, थोड़ा सा बीची शेड्यूल है, 6 बजे का। जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, तो 8 बजे में ज्वाइन कर लीजिए प्रभु, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी इतना भी बिजी नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है 6 बजे के बाद वाले में, जैसे शाम वाले में कंफर्टेबल हो जाता हूँ ज्यादा। अभी देखो मैं काम भी कर रहा हूँ और क्लास भी ले रहा हूँ, जी ऐसा हो जी जाता है। ठीक जी है, प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु, मतलब नहीं हो पाएगा तो फिर चलेंगे इसी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। वो तो शेड्यूल है प्रभु। अगर 8 बजे का क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी महालक्ष्मी माता जी क्लास देती हैं, बहुत उन्नत भक्त हैं वो भी। उर्मिला माता, उर्मिला लखेरा माता, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप वो बता रहे थे ना भक्ति वृक्ष वाली क्लास कितने बजे होती है, उसका कोई लिंक वगैरह है प्रभु जी? जी मैं माता जी को बोलता हूँ, है माता जी क्या आज, वो आपको गाइड करेंगे। है क्या आज, माता जी निकल गई है। ओके, हाँ या ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप में मैं बोलता हूँ माता जी को, आपको भक्ति वृक्ष में डाल देंगे के लिए, आप वहाँ पढ़िए, आप लोग सब देखिए। और प्रभु जी क्या बता देना, शाम को भी क्लास होती है क्योंकि हमारी भी 7 बजे वाली स्कूल हो जाएगी, तो फिर हम लोग भी वो सुबह वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी हमें भी। जी, तो 8 बजे वाले में ज्वाइन कर लीजिए माता। तो नहीं कर तो लेंगे, लेकिन लिंक के उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में प्रभु। हाँ जी, बिल्कुल, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रवेश गोयल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दनवत प्रभु, दनवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी एक छोटा सा बस क्वेश्चन है। यदि हमारा मन, हमारे क्या किसी का भी मन, मतलब वृंदावन जाने का करे बार बार, तो उसका मतलब क्या है? धाम से प्रेम हो रहा है, धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। भगवान, भगवान के रूप गुण धाम लीला, इसमें कोई फर्क नहीं है। भगवान धाम के रूप में प्रकट होते हैं। वृंदावन क्या है? वृंदावन दूसरे लोगों को लग सकता है ये तो गाछ है, ये तो यहाँ पेड़ है, गंदी सड़कें हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो है वहां पे भगवान के लीलाओं को देखता है। हम तुलसी आरती करते हैं, क्या करते हैं तुलसी आरती में, कहते हैं ना कि मोराई अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास, नयन हे रिपुशदा युगल राशि। तुलसी महारानी को बोलते हैं कि मेरी यही अभिलाषा है, एक ही अभिलाषा है कि मुझे निकुंज में वास करने का मौका मिले, और राधा रानी और भगवान कृष्ण के संग का प्राप्त हो। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरने गति आर नाही मोरा, और कोई मेरा मुझे इच्छा ही नहीं है, आर नाही मोरा, और कोई मेरे लिए कुछ करना ही नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर धाम से प्रेम हो रहा है प्रभु, तो हमारी तो इच्छा ही यही होनी चाहिए, धाम से प्रेम करने। ठीक है प्रभु। बिल्कुल ठीक है। और प्रभु जी जो गोपी तलब है गुजरात में, जैसे बोला जाता है गोपी तलब, मतलब कहने का मतलब जहाँ से चंदन निकलता है, जी गुजरात में है, तो उसका चंदन ही दी प्रभु को और अपने को लगाया जाए तो उसी अच्छा रहेगा ना प्रभु जी? उसी जी जी प्रभु, उसी वही उसी का तो आता है आपका, जो हम उर्द कुंड करते क्योंकि हैं। मैं कुछ चंदन थोड़ा सा अपने लिए वहां से लेके आया था, गया था मैं पिछले महीने, तो लेके आया था वहां से, और तो पूछना जरूरी है ना। जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल, उसको लगाइए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।
सुधा गांधी माता जी जी माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्लीज जी, हमने भी अभी क्लास ज्वाइन किया है तो पीछे का हमारा छूट गया है, और वही मॉर्निंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा स्कूल टाइम भी 7:30 रहता है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे हम लोग इस क्लास को। देखिए, इस क्लास को मैनेज करना है माता जी, पुरानी यूट्यूब देख लीजिए, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, 4 क्लासेस मिस हुई है, पुराने लेक्चर को सुन लीजिए और साथ में भक्ति वृक्षा में पढ़िए पहला। दूसरा, ये साइकिल में चलता है और हम 3 किताबें पढ़ेंगे, इसके बाद दोबारा ये लेवल 3 में ये किताब दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। मैं लू ना लू, लेकिन कोई ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो आपका जो भी मिस हो गया है वो नेक्स्ट, जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है, उस समय कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो तीसरा है, जो टाइमिंग का, टाइमिंग तो माता जी हमारे मंदिर से आता है, ये जो 2 ही समय है, तो इसमें संशोधन करना मेरे हाथ में नहीं है, मंदिर संशोधन कर सकता है। तो अभी हमारे हाथ 2 समय है, एक 7 बजे सुबह, 6 बजे सुबह, पहले तो ये 7 बजे था, लेकिन 7 बजे से 6 बजे मंदिर से निर्देश आया कि नहीं, 7 बजे लोगों को और दिक्कत होगी, भक्तों को, तो 6 बजे किया गया, और एक 8 बजे शाम को है। तो आपको जैसा सुविधा होता है अपने उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं माता, तकलीफ नहीं है ना। प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि यही बुक हमें पहले समझ में आना है फिर नेक्स्ट आना है, मतलब हम उधर भी अटेंड कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं आप, दोनों जगह अटेंड कर सकते हैं। प्रभु जी, उसका लिंक थोड़ा सा शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रेखा सिंह माता, हरे कृष्ण माता, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि 8 बजे शाम को भी है, तो शाम को भी आप ही लेते हैं? नहीं, माता शाम को महालक्ष्मी माता लेती हैं, और शायद एक दिन लेती हैं पहले। तो चैप्टर सेम चल रहे हैं कि नहीं नहीं आज? नहीं अलग चल रहा है, वहाँ अलग किताब चल रही है, मैं लास्ट महीने तक लिया था वो क्लास, वहाँ ईशो उपनिषद चल रहा है अभी, वो अच्छा, तो लास्ट ये वाला किताब है। खत्म हो गया, भक्ति रसामृत सिंधु खत्म हो गया उसमें? जी, भक्ति रसामृत सिंधु वहाँ खत्म हो गया, तो वहाँ पे अभी ईशो उपनिषद चल रहा है। ईशो हाँ उपनिषद जब खत्म हो जाएगा तो फिर वहाँ भी भक्ति रसामृत सिंधु शुरू होगा, ये साइकिल में चलता रहता है। अच्छा, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे थोड़ा कुछ रह जाता है तो वहां पे भी ज्वाइन हाँ कर हाँ लें? माता, एक जगह ज्वाइन कर लीजिए, अगर समय का कुछ लिमिटेशन है, पाबंदी है, कोई तकलीफ है, आपको सुबह कार्य रहता है, तो शाम में आपको। अभी उसे अभी मॉर्निंग में कान में लगा के ले तो नहीं, पर वो साथ साथ काम करने हैं घर के, तो हाँ थोड़ा सा हो जाता है ना कि जी, बच्चों के साथ लगे, तो 7 बजे जाके फ्री होती हूँ। 7 बजे टाइम सही था जो आप पहले रखा था, सब चले जाते थे तो आराम से बैठ के ले लो। अब थोड़ा सा दिक्कत होती है, अब यह है कि जी जैसे भी कान में लीड लगा के ले तो ली, क्लास तो ली है, ऐसा नहीं है। जी और वो जो 2 जगह दिमाग डाइवर्ट होता है तो थोड़ा सा उसमें वो जाता है ना इश्यू। जी और जी बाकी जी आपकी जैसे आज की क्लास और पिछली वाली क्लास, वो अभी यूट्यूब चैनल में ऐड नहीं हुई ना? आई थिंक वो पुरानी 4-5 ही रिकॉर्डिंग है कि उसमें हाँ, आज ऑटोमेटिक ऐड आज होता है? आज हो जाएगी, आज हो करके आपको मिल जाएगा, आज लिंक चला जाएगा। ठीक है। और शाम के वो जो उसके लिए लिंक, मतलब वसुधा माता जी से ही लेना? हाँ, वसुधा माता जी दे देंगी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरु भेष्य कृपा सिंधु मे च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण सभी को।